हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। एंड सुबह के टाइम पे अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, और आज है संडे, तो संडे भी मैं बना रही हूँ नमकीन सेवैया, जिनको आप नमकीन जवे भी बोल सकते हैं, सेवैया भी बोल सकते हैं। और तो मैं इसके लिए मैंने सबसे पहले ये जो पीनट्स हैं इनको ऑयल में फ्राई किया है। सो गाइस, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से सरसों के दाने, जिसको मकरा राई भी बोलते हैं, बहुत महीन वाली है, छोटी वाली, वो डाल दिए। मैं उसको ढक दिया है क्योंकि उछलती बहुत है तो छींटे आ सकते हैं। देन उसके बाद हरी मिर्ची ये काटी है जो मैंने, वो डाल दिए। थोड़ा सा इसमें भून लेंगे। देन अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद जो ये सेवैया है, जवे हैं जो मैंने बॉईल करके रखे हैं, पहले इनको मैंने भूना था देसी घी में, तो भूनने के बाद मैंने इनको बॉईल किया है, यानी पानी में डाल, पानी को खौलाकर इनको उसमें डाल दिया है और ये उबल चुकी है। उसके बाद मैंने इसको छन्नी में डालकर उनका पानी को सुखा लिया है, तो एकदम बढ़िया सी सूख गई है। मुझे ऐसी बनाने ही अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि इसमें पानी नहीं होता ना, बिल्कुल सा सूख जाता है, और एक एक खिला खिला सा इसका जवा है जो एक एक खिला खिला सा दिखता है। इनको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है लाल मिर्ची पाउडर एंड नमक। तो आप लाल मिर्ची पाउडर ना ऐड करना चाहें तो हरी चिली से भी काफ़ी तीखा हो जाता है, बट मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर दिया है, और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो नमक मिर्ची जो है वो बराबर पूरी जवे में और सेवैयों में मिक्स हो जाए अच्छे से, तो बराबर मतलब इधर उधर कहीं से रह ना जाए, तो पूरे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड ये हमारी जो सेवैया है वो बनके तैयार हो चुकी हैं। एंड हरा धनिया डाल देंगे और फिर मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो मैंने पीनट्स हैं उनको फ्राई करके रखा है वो डाल देंगे। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं पीनट कुछ ज़्यादा ही डालती हूँ, तो जी हाँ, मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं डालती हूँ। आप कोई भी चीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आप खाना पसंद करते हैं, आपकी फैमिली जैसा खाना पसंद करती है। मेरी फैमिली और हम लोग ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा डालते हैं। इनको डाल के मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद अब मैं सबसे पहले एक प्लेट लगाऊंगी, जिसमें मैं हमारे जो मकान मालिक हैं, जो ओनर हैं, उनके लिए लगा रही हूँ। एक्चुअली आज संडे है तो कुछ बनाया है मैंने, तो मैंने सोचा क्यों ना कि उनको भी टेस्ट कराया जाए कि कैसी बनी है, मैंने जैसे बनाई क्या। मतलब ऐसा होता है ना कि पता नहीं कौन कैसा खाना पसंद करता है, तो मैंने सोचा जिस तरीके से मैं बनाती हूँ इस बार वैसे ट्राई किया जाए। और हाँ, इस पे प्याज से भी, प्याज, आलू, मटर जो चाहे वो सब डाला जा सकता है, आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल बनाई है। पता नहीं कौन प्याज खाना पसंद करता है कौन नहीं, इसीलिए नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊंगी तो प्याज, मटर, आलू सब कुछ डालूंगी। तो यहाँ पे प्लेट लग के तैयार है, रेडी है, हस्बैंड मेरे जा रहे हैं देने, एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी अपने लिए प्लेट्स। तो अपने लिए प्लेट्स लगा लेती हूँ एंड नाश्ता कर लेती हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा, और आप जरूर बताइएगा संडे को क्या बनाया है, स्पेशल क्या किया है, मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग। एंड अभी 11:30 बज रहे हैं और मंदिर में बल्ब नहीं था, तो उसमें तार मतलब लटक रहा था, तार छोटा था बहुत, जिससे कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसमें थोड़ी सी और ये केबल जुड़ी गई है एंड उसमें लगेगा बल्ब।
मंदिर में लाइट जलेगी, तो जब उसमें होल्डर है सब उसका कनेक्शन है तो फिर लाइट तो जलना बनता था ना, तो इसलिए वो मेरे पतिदेव कर रहे हैं। और आद्या को छुपवा गई, आद्या आ जाओ, आद्या आ जाओ। और आद्या ने ये देखो ये बनाया है, क्या बनाया समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाया, लेकिन बोल रही है ये बनिए छिपकली। क्या बनिए? क्या बनिए? छिपकली। अच्छा यहाँ दिखा दो अपने जय जय बाबा का टीका लगाया ना, सुंदर दिखाओ क्या, यहाँ आओ मेरे पास इधर। अपने जय जय बाबा का टीका लगाया है, हेलो बोलो। हाँ, और मैंने ये पर्दे भी निकाल के रखे, ये मेरे मंदिर के ही पर्दे हैं, वहाँ पर जो मंदिर था पुराने वाले घर में उसी के पर्दे हैं। बस पर्दे वो अलमारी थी, अलमारी में मैंने भगवान जी लगाए थे और अलमारी में ही मंदिर सजाया हुआ था, तो उसमें ये जो पर्दे हैं उसके लिए ठीक थे, और इस वाले मंदिर के लिए ये बड़े हैं। तो देखते हैं इन्हीं को थोड़ा छोटा करके अच्छे से इन्हीं को लगाते हैं या फिर कोई दूसरे लाते हैं। तो येलो कलर में है, थोड़े शाइनिंग में है, इसलिए यही पर्दे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मंदिर में ऐसे ही पर्दे अच्छे लगते हैं, थोड़े से शाइनिंग से चमकीले से, और जैसे भगवान जी के कपड़े होते हैं वैसे ही मंदिर के पर्दे होते हैं, उनका आसन होता है, यही सब चीज़ें। और अभी 11:30 बज रहे हैं, और आज एक बात और मैं आपसे कहने वाली हूँ, आज मैं एक अपनी एक सब्सक्राइबर से मिलने जा रही हूँ, एक्चुअली वो मेरी सब्सक्राइबर ही है और बहुत टाइम से वो मुझे वॉच कर रही हैं, वो यहीं सीतापुर की हैं, लेकिन उन्होंने जब मुझसे बात की, मतलब मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिया मुझसे बात की, तो मुझे पता नहीं था कि वो एक यूट्यूबर भी है, बट वो यूट्यूबर भी है और मेरी सब्सक्राइबर है, तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। तो चलिए आपको भी लेके चलूँगी, फिलहाल तो पहले मंदिर में बल्ब लग जाए और रोशनी हो जाए। क्या दिया? ओके ओके आ गया, ओके आ गया। हाँ टम्मी, टम्मी दिख गया, टम्मी दिख गया। अच्छा ये बताओ जन्माष्टमी पे राधा कौन बनेगा, इसे करो पहले, जन्माष्टमी पे राधा कौन बनेगा? आद्या। वो जो कौन कौन राधा में देखना चाहता है आद्या को, राधा की ड्रेस में कौन कौन देखना चाहता है आद्या को? राधा को कौन कौन ड्रेस में देखना चाहता है, देखना चाहता है कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट में जरूर बताना, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, जरूर बताना, जरूर बताना, ठीक है। चलो थोड़ी देर मिलते हैं, ओके ओके। तो रेडी हो गई हूँ मैं और निकल रही हूँ, ये तो मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफी दिन से वो बोल रही थी चलने के लिए, और ये भी रेडी हो गए, ये भी रेडी हो गई हूँ, आद्या भी रेडी है। बना हुआ है ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे टिक जाओ ऐसे ऐसे, ठीक है। आद्या ने आज साइकिल वाली ड्रेस पहनी, देखो साइकिल वाली, ये हाँ हम लोग आ गए हैं राजस्थानी होटल रेस्टोरेंट जो कि सीतापुर में ही है, काफी फेमस है, जो लोग सीतापुर के हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि राजस्थानी एक अच्छा रेस्टोरेंट एंड होटल है, और हम लोग वेट कर रहे हैं उनके आने का। अभी हम लोगों ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, मैं सोच रही हूँ वो आ जाएंगी तो साथ में खाएंगे। एंड ये है आद्या और हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, एंड ये मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे की सीनरी लगी हुई है काफी प्यारी सी, तो
यहाँ पर काफ़ी शोर हो रहा था, इस वजह से मैंने जो आवाज़ है वो म्यूट करी है और अपनी आवाज़ डाल रही हूँ। और यहाँ पे ये जया नाम है इनका, और इन्होंने अपना जो चश्मा है वो निकाल दिया था, बोले अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बोला नहीं चश्मा लगा रही हो, अच्छा लग रहा है, अब लगा लो। तो इन्होंने फिर से लगा लिया है और अच्छा लग रहा है चश्मा लगाने से। अब किसी किसी के फेस पे चश्मा नहीं अच्छा लगता है, बट किसी किसी का अच्छा लगता है, तो इनके फेस पे अच्छा लग रहा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आई थी, तो मैं इनको बोल रही थी क्या ज़रूरत थी लाने की, बट बोले कि मैं फर्स्ट टाइम मिलने आई हूँ तो लेकर आई हूँ। तो ये लेकर आई है कंगन। एक्चुअली ये कुछ टाइम पहले वैष्णो देवी गई थी, तो ये जवाने वाली थी, इन्होंने सोचा कि उन्हें मैं ले चलूँ। तो यहाँ पर मेरे लिए ये कंगन लेकर आई है और आध्या के लिए ढेर सारी चॉकलेट ये बॉक्स। तो मैं बोल रही हूँ देखो थैंक यू बोला, तो उसने बोला भी था फिर से बोला, एंड कैमरे के सामने तो बहुत मतलब कैमरे में मतलब सॉरी एक्चुअली वीडियो में तो बहुत बार आध्या को दिखा है सबने, इन्होंने भी, लेकिन इस टाइम सामने से मिलके इन लोग इनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये बोल रही थी मेरी किस कर लूँ तुमको आध्या, तो वो बोले कि लिपस्टिक लग जाएगी, इसलिए नहीं अभी नहीं करूँगी बाद में कर लूँगी। तो बस हम लोग इंजॉय करेंगे एंड बात साथ करेंगे और एंजॉय करेंगे। ये है इनके दो बेटे, ये बड़ा वाला है और ये ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहने है, ये छोटा वाला बेटा है। और ये है इनके पतिदेव यानी हस्बैंड, और ये मेरे हस्बैंड एंड इनके हस्बैंड दोनों बस आते ही आते बातों में लग गए हैं। ऐसा पता नहीं चला कि अनजान है या अजनबी है, देख मतलब फर्स्ट टाइम मिले ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ मेरे पति और इनके पति आराम से बातें कर रहे हैं, तो चलिए। लंच करने के बाद यहाँ पे देखिए इनके बच्चों के साथ में मतलब जया जी के बच्चों के साथ में मेरी बेटी आद्या और मस्ती कर रही है। तीनों लोग घुल मिल गए हैं और यहाँ पे फिश टैंक लगा है, तो फिश को देख रहे हैं। और हम लोगों का जो लंच है वो हो चुका है, लेकिन हमारे और इनके पतियों की बातें वो खत्म ही नहीं हो रही है। दोनों लोग बातें करते जा रहे
कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और हमारा जो लंच है वो हो गया है, एंड लंच करने के बाद हम लोगों ने मंगाया था आइसक्रीम। एंड एक्चुअली बच्चों को आइसक्रीम खानी थी और हम लोग भी खा रहे थे एंजॉय की, तो हम लोगों ने आइसक्रीम मंगाई। तो सबसे पहले आद्या ने अपनी आइसक्रीम ले ली है। एक्चुअली आद्या को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो यहाँ पे हम लोग अपनी अपनी आइसक्रीम ले रहे हैं, खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं, तो बाय बाय बोल रहे हैं। और बस इतनी देर तक हम लोग मिले तो काफ़ी टाइम लगा, बस कैमरे में इतना सा ही शूट किया। एंड तो अब हम लोग निकलने वाले हैं, तो वहाँ जाने से पहले मतलब वीडियो में तो बहुत बार इनके हस्बैंड ने भी मेरी बेटी को बहुत देखा है, मेरे सामने से बहुत सारा प्यार कर रहे थे। ये देखिए हैंडशेक कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है कि आज वीडियो के अलावा सामने से आद्या मिली है। देन मेरे हस्बैंड इनके हस्बैंड दोनों लोग आद्या को एक साथ पकड़ कर, सॉरी इनके बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं, इनके हस्बैंड एक्चुअली गाड़ी निकालने गए हैं बाहर, तो लेके जा रहे हैं। और बस हम लोग ये होटल के बाहर खड़े हैं, लास्ट बाय बाय बोल रहे हैं। एंड ये हैं इनके बच्चे और ये लोग जा रहे हैं। ये लोग आए थे फोर व्हीलर कार से अपनी, और हम लोग आए थे बाइक से। तो ये लोग जा रहे हैं अपने घर और मैं निकलती हूँ अपने घर के लिए। सो गाइस, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।